नमस्ते, सत श्री अकाल, नदाब। मैं हूँ आपका सु अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम आए हैं सुल्ताना डाकू का किले पे, जो नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में है। जो सुल्ताना डाकू था, जो चोर था बहुत बड़ा, जिससे अंग्रेज़ परेशान थे, जिसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, तो उसी के किले पे आज हम आए हैं। अब आपको दिखाएंगे किला कैसा है, कहाँ है, किस जगह पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये हम किले के ऊपर जा रहे हैं, ये स्टेयर्स पे चल रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। इसकी कंडीशन किले की अच्छी तो होगी, मगर यहाँ के लोगों ने इसे बिगाड़ दिया। आप देख ही सकते हो कितनी गंदगी है यहाँ पे। तो जब भी आप विजिट करें तो ध्यान से आना, यहाँ के स्टेयर बहुत ऐसे हैं, मतलब गिर सकते हैं। हाँ, तो फाइनली किले के हम ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, आपको भी दिखाता हूँ। देखो, किले की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 1920 के टाइम में नजीबाबाद और कोटद्वार में सुल्ताना डाकू का खौफ बहुत ज़्यादा था। और सुल्ताना डाकू की एक ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी जहाँ चोरी करने आता था, वहाँ पहले ही बता देता था कि मैं इस दिन चोरी करने आऊँगा, और उसी दिन वो चोरी करके चला भी जाता था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये फैक्ट, तो बहुत ही मज़ा आया। और इस किले की स्थापना जो करवाई थी वो नजीबुद्दौला ने करवाई थी, फिर बाद में इस पर सुल्ताना डाकू ने कब्ज़ा कर लिया था, इसलिए इसका बाद में नाम पड़ा सुल्ताना डाकू का किला। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सुरंग जो देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं, इनके अंदर वो सैनिक जो होते थे वो टोप डाल के फायर करते होंगे। अब मैं पक्का नहीं कह सकता, लगता तो यही है। तो देखने में बहुत ही मज़ा सा आ रहा है, इन्हें तो अलग से ही फील आ रहा है। एक लग रहा है कि किसी मतलब किसी किले पर आए हैं हम। अच्छा, वो भी एक चोर का किला था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसे देखने में भी डर लग रहा है, इतना बहुत डर लग रहा है इसे देखने में भी। चीज़ें चलते चलते में ही मिली हमें, तो ध्यान रखना जब भी आप आओ तो बिल्कुल सेफली चलना। अभी तो थोड़ा हम बच गए थे, हमने एकदम नज़र पड़ी हमारी, इसलिए मैंने आपको भी दिखाया। किले के ऊपर आ चुके हैं, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है पीछे का। ये साथ में मेरा फ्रेंड है फहीम। बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है, एक अलग सी एक्साइटमेंट आ रही है, अब देखते रहिए। तो व्यू जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पीछे अगर आपको दिख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, तो पीछे कोटद्वार के पहाड़ दिख रहे हैं। ये जो एरिया है ये नजीबाबाद से थोड़ी दूर है, मैं उस जगह का नाम बोल रहा हूँ, मगर ये नजीबाबाद से थोड़ी दूर इलाके में है। इधर खेत है आप देख सकते हैं, और उधर सारे पहाड़ हैं, तो एक अलग ही व्यू आ रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। सब हम नीचे जा रहे हैं स्टेयर्स पे, नीचे जाके आपको व्यू दिखाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। देख पा रहे हो आप, पूरा जूम करके दिखाओ फ्रेंड। तो ये दीवार बहुत ही लंबी और बहुत ही चौड़ी बनाई गई है, बहुत ही मजबूत दीवार है। ये देख पा रहे हो आप, ये अंदर जाने के लिए एक रास्ता बनवाया होगा सुल्ताना डाकू, या जो जिन्होंने एक किला बनवाया था। तो उधर जैसा कि आप देख सकते हैं, उधर ये सारी बाउंड्री हुई हुई है, ऐसा ही वहाँ है एक, और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस ऐसा ही है, जैसे ये है वैसे ही वो है।
गाइस ये था मेरा सुल्ताना डाकू नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में जो है उसके ऊपर एक छोटा सा मेरा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कर देना मेरी वीडियो मेरे मोटिवेशन के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करने लगे हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। एंड ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए देखिए।